हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किचन किंग में ब्रेड से स्नैक्स बना रही हूँ। उसके लिए हमने ली है कुछ ब्रेड। ये देखिए, हमने 5 से 6 ब्रेड ली है इस तरह से। अब मैं इसे अच्छी तरह से कट करूँगी। तो चलिए, मैं ब्रेड को कट कर रही हूँ। उसके लिए हमने ली है, इसे मैं हटा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं ब्रेड को कट कर रही हूँ। इसके जितने साइड से ये ब्राउन ब्राउन है, इसे मैं अच्छी तरह से हटा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारी को हटा रही हूँ मैं इस तरह से। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल स्नैक्स की तरह ये ब्रेड खाने में लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से हटा लिया। ये देखिए, हमने सारी को, ये ब्राउन वाले को हमने इसे अच्छी तरह से हटा लिया। इसे मैं फेंकूंगी नहीं, मैं इसे अलग से एक प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से कट कर रही हूँ। बिल्कुल इस शेप में हमने इसे, स्नैक के शेप में इसे कट किया है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, सारी को हमने कट कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, मैं दूसरे सारे को इसी तरह से कट कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कभी भी आप चाय के साथ में, नाश्ता में, कभी भी आप खा सकते हैं। शाम के समय में तो बिल्कुल भी बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे को कट कर ली है। ये देखिए, सारे ब्रेड को हमने इस तरह से कट कर ली है। ये देखिए, सारे को मैं इस तरह से हटा के ब्राउन वाले को अलग से रख रही हूँ। इसे मैं बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है इसे। देखिए, इस तरह से हमने सारे को कट कर लिया। देखिए, ये शेप हमने ली है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे को कट कर ली है। अब मैं ये जो बची हुई चीज़ है, ये साइड वाले ब्राउन वाले, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लूँगी। ये देखिए, सारे ब्राउन वाले को हमने इसमें मिक्सी में डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, इसमें पानी नहीं डालना है, इधर पानी का ही मैं मिक्सी में इसे अच्छी तरह से पीस रही हूँ। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से पीस ली है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे पीस ली है ब्रेड को। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से इस तरह से ब्रेड को पीस ली है। ये देखिए, अब मैं इसे बनाने के लिए एक ले रही हूँ बॉल। ये देखिए, हमने लिया है एक बॉल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक छोटी सी बॉल है, उस बॉल से बेसन। ये देखिए, हमने एक बॉल बेसन लिया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 नमक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस नमक और हल्दी डालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। ये देखिए, हल्दी पाउडर हमने इसमें ली है बिल्कुल 1/4। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी, जिससे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें अच्छी तरह से पानी डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल कम क्वांटिटी में हमने इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से, जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। ये देखिए, इस तरह से हमने ली है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका रोल बना के रख लिया है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, अब बन चुकी है। ये भी रेडी है, ब्रेड भी रेडी है। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। ये देखिए, हमने गैस ऑन कर ली है। ये कढ़ाई गर्म हो रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। ये देखिए, अब गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। ये देखिए, तेल जब तक गर्म हो रही है, तब तक मैं इसके डोर को सही से देख रही हूँ। ये देखिए, 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इसमें जीरा। इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। इसे मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए,
ये देखिए तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं एक सिंगल सिंगल, ये देखिए हमने एक सिंगल सिंगल ब्रेड ली है वो कटी हुई, मैं इसमें इस तरह से डिम कर रही हूँ। अब इसमें ये पिसी हुई ब्रेड पे इसे अच्छी तरह से रैप करती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है ये खाने में। अब मैं सिंगल सिंगल इसमें डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है, ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ चुके हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ब्राउन करना है। ये देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्राउन दोनों साइड से हो चुकी है, ये देखिए अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने यम्मी लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल स्नैक की तरह लगता है खाने में। ये देखिए हमने सारे को इस तरह से इसमें रैप कर दी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ सिंगल सिंगल, ये देखिए इस तरह से मैं सारे को इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये, और बिल्कुल डिफरेंट डिश है, इस तरह से फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का डिश। ये देखिए इस तरह से चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं दूसरे साइड कर रही हूँ इसे, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये, ये देखिए। ये हमारी मम्मी का फेवरेट डिश है, उसने मैं बताया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे बनाई हूँ, ये देखिए दूसरे साइड भी ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए दोनों साइड से बन चुकी है, ये देखिए बिल्कुल भी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से निकाल रही हूँ। ये देखिए कुछ बची हुई है, मैं भी इसे इस तरह से फिर से इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से हमने सारे को पलट लिया, ये देखिए दोनों साइड हमारी है पक चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, अब मैं इसे अच्छी तरह से निकाल रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए अब बन चुकी है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए सारे अब रेडी है, ये देखिए सारे स्नैक्स रेडी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा के रखें, जैसे कि अच्छी अच्छी वीडियो आप पे पहले आ जाए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने यमी बने हुए हैं। ये देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।